हम गए हैं मंगलवार के, हमको वहाँ से बात दबा दिया प्रशासन रहती है। के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग जमीन के बारे में बैठे हुए हैं। हम लोग का घर से भगा दिया गया। कौन भगा दिया है? राम लाल सिंह, राम आधार सिंह और जमदान सिंह। जमीन को बस्ते चल चल। क्या हुआ है? कोई नहीं देखता है, नहीं घूस खा जाता है ब्लॉक पर। तो सीओ भी आपके बैठ हुआ है ना? कोई नहीं कहता सीओ। सीओ भी क्या कार्रवाई हुई? सीओ कुछ नहीं चलेगा। क्या बोले सीओ साहब? घूस खा के ऊपर चला जाता, हमको पता चुप रहो, साइड हो के खड़ा रहो। जमीन हमारा, घर हमारा, उसको कुछ नहीं बोलता है। गाली गलम दे, गोली बताता है, धमका दिया मारने के लिए। क्या नाम हुआ? बिमला देव। खातिर बैठे हुए इकट्ठा तीन गिर लिया, कहता है दमंग आदमी पर पूरी हम जमीन कवर करेंगे, घर से भगा दिया है जाकर। हम गए हैं मंगलवार के, हमको वहाँ से बात दबा दिया प्रशासन रहती है। घर दिखाने गया था कि रोड देखने गया था, हमको गाली गलौज दिया, सबको भगा दिया वहाँ से। कौन लोग आपको? बलराम सिंह का बेटा राम, राम आधार सिंह, राम लाल सिंह और बलराम सिंह। बलराम सिंह का बाप बैजू सिंह। किस लिए वहाँ से भगा देता है? जमीन जबरदस्ती घर घुसे हुए निकलता नहीं है, जब लिया पड़ती जगह कहता है कि हम घर समेत ही ले लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारे राम आशीष शर्मा नाम। कहाँ घर हुआ? बदलपुरा घर हुआ। समिति इस धरना के स्थल पर राम आशीष शर्मा जी के समस्याओं के साथ है। आज चार दिन हो गए और बिहार की स्थिति ये बन गई है कि लोगों को, खास करके गरीब गुरबा को, इस कोरोना काल में भी आतंक इतना बढ़ गया है दबंगों का कि ये शहर दर शहर, घर दर घर भटक रहे हैं। और अपने घर बावजूद इनका अपना घर रहते हुए ये पूरा मामला इनके जमीन से जुड़ा हुआ है। एक कट्ठा तीन दूर दोनों भाई मिलकर के, ये रामलाल सिंह और रामाधार सिंह, पिता बलराम सिंह, पिता बैजू सिंह को इन्होंने बेचने का काम किया एक कट्ठा तीन दूर। और बाकी चार कट्ठा नौ दूर जमीन जो इनका है उस पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया और इनको इनके पैतृक घर से निकाल दिया गया। और ये चार दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन आती है, थोड़ा सा बात करती है और थोड़ा सा पहल कर करके इनको जो है स्पॉट पर ले जा करके दबंगों के द्वारा गाली सुनवाने का काम करती है। और इनका हक हकूक जो मिलना चाहिए था, जो डीएम साहब के आदेश पर लोग जाते हैं वहाँ करने के लिए, वो स्पॉट पे नहीं हो पाता, बैरंग लोग लौट आते हैं। हमारे साथी अनुमंडल प्रभारी बोले हैं कि डीएम साहब को खुद इस पे पहल कर करके इस कोरोना काल में इस पीड़ित परिवार को अपने स्तर से लॉकडाउन के पहले इनकी घर वापसी सुनिश्चित कर देते तो बेहतर होता। अन्य और कल से कोरोना का फिर लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद पूरे बेगूसराय ही नहीं, बिहार झारखंड जो भी समाज सेवी हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस गरीब गुरबा पीड़ित के साथ एकताबद्ध तरीके से इनको हक और हकूक दिलवाने के लिए आगे आए। और ये बेचारे, हो सकता है कि इनको अगर हक नहीं मिलता है तो इस लॉकडाउन के बाद भी यही नज़र आएंगे, पुनः हम लोग इनकी सुधी लें और इनको हक दिलवाने के लिए आगे आए। और विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति इसके लिए हर पहल करने के लिए तैयार है। आप लोग सहयोग करें और गरीबों को हक दिलवाने में आम आवाम से अपील है कि
बढ़ चढ़ के पहल करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमोद कुमार शर्मा, विश्वकर्मा कार्ड शिल्पी, जिला उपाध्यक्ष बेगूसराय।